जय भीम, मी हंसिनी। सम्यक न्यूज लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। पुढील बातम्या याप्रमाणे। आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। मी महाराष्ट्र से यहाँ आई हूँ। लगातार दो दिन से महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चल रहा है। कल चेंबूर, गोवंडी, नागपुर में कई स्टूडेंट और यूथ ने भी प्रोटेस्ट किए और उन लोगों को जेल में डाल दिया गया। बात यह है, इस साल का भीमा कोरेगांव का सेलिब्रेशन, इस साल का भीमा कोरेगांव का रैली, जिसकी तैयारी पिछले 7 महीनों से हम लोग कर रहे थे, जिसकी तैयारी लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही थी। ये रैली पहली बार नहीं हो रही है। पिछले 2 सालों से लगातार दलित समुदाय के लोग, लगातार तमाम अलग समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव जाते रहे हैं, भीमा कोरेगांव के प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस साल ऐसा क्या हो गया, इस रैली को इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिल रहा है? इस साल वहां जाकर कोई हिंदूवादी संगठन क्यों इस तरह से पथराव कर रहा है, जबकि जानते हैं कि लगातार हर साल भीमा कोरेगांव हो, चाहे महार सत्याग्रह की जगह हो, हर साल 6 दिसंबर से लगातार इन तमाम सारे जगह पर छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इसका कारण ऐसे दिखाई देता है कि पिछले 2014 से जब हम देखते हैं कि भाजपा सरकार इस देश में सत्ता में आती है, कई सारे जुमलाबाजी, कई सारे वादों के साथ कि हम इतना रोजगार देंगे, हम इतने कैंपसेस खोलेंगे, हम कास्ट एट्रोसिटी को कम करेंगे, लेकिन 2014 से 2011 से आप देख लीजिए, नीति आगे प्रकरण हो, सातारा, सांगली, अहमदनगर में हुए तमाम सारी दलित एट्रोसिटीज को आप देख लीजिए, तो उसको हमेशा से दलित वर्सेस मराठा का रूप देने का कोशिश किया है। कभी शिवाजी के नाम पे, हमेशा शिवाजी के हिस्ट्री के साथ खिलवाड़ करते हुए कि शिवाजी का बायोलॉजिकल फादर कौन था, बायोलॉजिकल मदर कौन था, इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलता है और दलित और मराठा के खिलाफ पूरा माहौल बनाता है। पिछले 6 महीनों से मरा मदर कौन था, इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलता है और दलित और मराठा के खिलाफ पूरा माहौल बनाता है। पिछले 6 महीनों से मराठा समुदाय के छात्र, मराठा समुदाय के युवा रास्ते पर है, वो रोजगार मांग रहे हैं, वो लगातार किसानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि किसानी करने के लिए जो पूरा जितना पैसा लग रहा है वो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लगातार किसानी छोड़ रहे हैं, लगातार वो शहरों की ओर प्लान कर रहे हैं, लेकिन शहरों में भी हम देखते हैं कि किसी तरह का रोजगार नहीं है। ऐसे समय में एक तरफ से मराठा युवक, मराठा छात्र रास्ते पर है, दूसरी तरफ दलित छात्र, आदिवासी युवा, दलित युवा रास्ते पर है और इनके किसी भी सवाल का जवाब महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस सरकार के पास नहीं है। ये लगातार महाराष्ट्र के सातारा में, महाराष्ट्र के सांगली में एट्रोसिटीज कराते जा रहे हैं, दलित और मराठा दंगा भड़काते जा रहे हैं। ये जानते हैं इस समय अगर दलित और मराठा युवा महाराष्ट्र के सड़कों पर अगर खड़ा होकर सवाल पूछेगा तो इनका पोल खुल जाएगा। इसीलिए लगातार इन दो राय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो भाषा, जो आरएसएस पुणे में अपना भाषण पेशवाई के गुणगान करते हुए शुरू करता है, उस भाजपा को, उस आरएसएस को पूछना चाहिए, जिस मराठा युवा को आज वो रास्ते पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं, यही पेशवा थे जिन्होंने बहुजनों के शिक्षण पर बंदी लाई थी, यही पेशवा थे जिन्होंने मराठाओं का भी शिक्षा बंद किया था। 3 महीने पहले पुणे में उच्च वर्णीय ब्राह्मण के घर में जब एक महिला काम मांगने गई तो पूछा गया कि तुम्हारी जाति क्या है, उसने बोला मेरी जाति मराठा है और मराठा होने के कारण उसको काम पे नहीं रखा गया। आज तक ये दलितों के साथ होता था लेकिन ये मराठाओं के साथ ही होते रहा है। जिस पेशवाई के गुणगान ये लोग करते हैं, उस पेशवाओं ने दूसरे बाजीराव ने दलित महिला, मराठा महिला, मुस्लिम महिला, तमाम सारी महिलाओं के साथ जिस तरह का सलूक पेशवाओं ने दूसरे बाजीराव ने दलित महिला, मराठा महिला, मुस्लिम महिला, तमाम सारी महिलाओं के साथ जिस तरह का सलूक किया है,
उसको अगर याद किया जाए तो इस ये पेशवाई हमारे देश इसी पर एक कलंक है। जिस पेशवाई की ये बात करते हैं इनको पूछना चाहिए कि वो पेशवाई क्या थी, ऐसा क्या दिया पेशवाई ने भारत के इतिहास को जिस पेशवाई को लेके आरएसएस लगातार बात कर रहा है, आरएसएस इतना गुनगान आता है। उस पेशवाई के खिलाफ मराठा रेजिमेंट लड़ा था लगातार ये लड़ाई, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश कोई पेशवाओं ने किए हुए पेशवा जो सा जिस तरह की स्थिति पेशवाओं ने दलितों के लिए खड़ी कर दी गई थी उसके खिलाफ कोई ब्रिटिश लड़ा था, क्योंकि दलित मजदूर उस समय सबसे कम पैसे में अवेलेबल हो रहा था, इसलिए अपनी पूरी रेजिमेंट में लगातार दलितों का रिक्रूटमेंट किया गया। कोई पेशवाओं के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, दो रूलर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, बस बात नहीं थी। लेकिन अभी क्यों, अभी इस बात पर क्यों इतनी ज्यादा राजनीति खेली जा रही है, वो इसलिए क्योंकि आरएसएस लगातार लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है, आपको लगातार अपना नेशनलिज्म साबित करने के लिए मजबूर कर रहा है। पहले कैंपस से शुरू किया, अब दलितों को भी खड़ा कर रहा है, मुसलमानों को खड़ा कर रहा है, आदिवासियों को खड़ा कर रहा है कि बताइए आप देशद्रोही है या आप देश प्रेमी है, इनसे पूछना चाहिए। देशद्रोह और देश प्रेम की बात तुम करते हो, तुम तो पेशवा थे, तुम तो पेशवाई की बात करते हो, तुम्हारा भाषण पेशवाई के गुणगान से शुरू होता है। फडणवीस जब मुख्यमंत्री बना उसका भाषण सुनिए, बोलता है वो गोल्डन एरा ऑफ पेशवाई, गोल्डन एरा ऑफ पेशवाई, जब दलितों पर इस तरह से अत्याचार हुआ, जब दलित मुस्लिम ओबीसी महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार हुआ, उसको गोल्डन एरा ऑफ पेशवाई बोलते हैं ये लोग। इन लोगों से हर जगह खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे उन वादों का आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए इन युवाओं को रास्ते पर उतारे, इन युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे। और ये आज ही नहीं हुआ, लगातार हो रहा है। नीति आयोग प्रकरण हमने देखा, हम इन युवाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे। और ये आज ही नहीं हुआ, लगातार हो रहा है। नीति आयोग प्रकरण हमने देखा, हमने सादर असेंबली प्रकरण देखा, हमने खेलना जी देखा, जहाँ अगर कोई पुलिस पाटिल भी मराठा है या कोई गांव पाटिल भी मराठा है तो ये इसको दिखाएंगे कि मराठा वर्सेस दलित। ये लगातार इस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे दो लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, मिलिंद एकबोटे समस्त हिंदू वाहिनी और संभाजी भिड़े, जिसको महाराष्ट्र में भिड़े गुरुजी के नाम से जाना जाता है। पिछले आज से 10 सालों में महाराष्ट्र में हुए हर दंगे को निकाल के देखिए, उसको पढ़ के देखिए, भिड़े गुरुजी कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय उस जगह पे मौजूद थे। और भिड़े गुरुजी लगातार इन दंगों को भगाने के लिए किस तरह से ग्राउंड वर्क किया जाए इसमें शामिल है। इन दो लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, हमारी डिमांड है कि इन दोनों लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। साथियों, लगातार देवेंद्र फडणवीस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है, महाराष्ट्र कास्टिज्म में विश्वास नहीं करता। उनको पूछना चाहिए, महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले की पूरी लड़ाई के खिलाफ थी, उनको पूछना चाहिए डॉक्टर आंबेडकर की लड़ाई किसके खिलाफ थी, उनको पूछना चाहिए कि पेशवाई के अलावा भी शिवशाही का इतिहास महाराष्ट्र का रहा है उसको थोड़ा पढ़ लीजिए। हमेशा हिस्ट्री के साथ छेड़खानी करते हुए लोगों में दंगा फैलाना, लोगों में गड़बड़ चीजों फैलाने की आदत की रही है। इसीलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि जिस तरह से हम अपना इतिहास देखें उसी तरह हम आने वाले दिनों में अपनी लड़ाई का रास्ता तय करें। हम तय करें कि हम किन मुद्दों पर लड़ेंगे, ना कि आरएसएस बताएगा कि किन मुद्दों पर हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। हमको अपना एजेंडा खुद तय करना पड़ेगा। छात्र युवाओं को, दलित मराठा ओबीसी छात्र युवाओं को अपना एजेंडा खुद तैयार करना पड़ेगा, वरना आरएसएस और आरएसएस के तमाम सारे संगठन इसी तरह से दंगे भड़काएंगे, लोगों में पोलराइजेशन करेंगे और उनके जो रियल क्वेश्चन जो उनके और आरएसएस के तमाम सारे संगठन इसी तरह से दंगे भड़काएंगे, लोगों में पोलराइजेशन करेंगे और उनके जो रियल क्वेश्चन जो उनके अपने सवाल जरूरी सवाल है उनसे उनका कान भटकाएंगे। इसी के साथ में अपनी बात। आता वेळ झाली आहे एका ब्रेकची, भेटूया लगेच। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा। अधिक माहितीसाठी 99 21 69 49 32 या नंबरवर कॉल करा।